कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव सेट करवाने जा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, नेपाल का जो मेन रूप से जो उग्र राजनीतिक दल है वह कहलाता है आपका माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कहलाता है? माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये याद रखना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए इसमें क्लिक कर देते हैं, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? ठीक है, तो बान की मून थे। अभी वर्तमान का ये क्वेश्चंस करंट का है, प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पे आंसर इसका इसे 75 का डी होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? तो न्यायाधीश के, जनता के, निर्वाचन आयोग के, सैनिक के। तो आपको पता ही होगा जनता के इसका एग्जैक्ट आंसर होगा क्या? जनता के हाथ में क्या होता है? लोकतांत्रिक शक्ति या सरकार की शासन की बागडोर किसी न किसी रूप में जो है जनता के प्रतिनिधि ही वहां पे शासन व्यवस्था चलाते हैं, तो किसके हाथ में होती है? तो मेन रूप से जनता के हाथ में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गांव में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांव में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, सरकार किया गया, इनमें कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? सबसे पहला, अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों को ध्यान आकृष्ट करना, सरकारी अधिकारियों को घूस देना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि सरकारी अधिकारियों को घूस देना, ये क्या है आपका? अलोकतांत्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता, सैनिक, न्यायाधीश, चुनाव। तो आपको पता होगा लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही आगे जो है एमपी एमएलए बन करके देश की शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते हैं। उसके बाद है, इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, खर्चीला शासन व्यवस्था, इस जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत, चरितार्थ, धनवानों की पूजा। तो इनमें से कौन सा दोष जो है लोकतंत्र का दोष नहीं है, ठीक है। तो 81 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था यह दोष नहीं है, बाद में की क्या है? सारे दोष हैं। इसका आंसर हो जाएगा जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था यह दोष नहीं है लोकतंत्र का, यह तो विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता? नैतिक गुणों का, चरित्र का, भ्रष्टाचार का, बंधुत्व का, ठीक है। तो 82 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी, भ्रष्टाचार का। लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता? तो भ्रष्टाचार का, इसका पॉजिटिव वे में आंसर भ्रष्टाचार ही होगा। 82 का क्या हो गया स्टूडेंट्स? सी। अब आते हैं 83 पर। 83 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो कब हुआ था भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव? तो 83 का, 83 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, 1946 ईस्वी में करवाए गए थे चुनाव, ठीक है। तो याद रखना है आपको 1946। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये सब आप मेरे वॉल्यूम जो भी हैं पॉलिटी का देख लें, उस समय ये सब चर्चा किया है मैंने। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता? धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, आदर्श एवं मूल्यों की झलक, सरकार के स्वरूप की जानकारी। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा बी, सांप्रदायिकता जो है यहाँ पर मेल नहीं खाता है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सब मेल यहाँ पर नहीं खाता है, क्योंकि यह भाईचारे की बात करता है। सरकारी नीतियों का कार्यालय आदेश निर्गत करता है, सरकारी नीतियों का कार्यालय आदेश कौन निर्गत करता है? राष्ट्रपति, विभागीय लोक सेवक, संबंध मंत्री, प्रधानमंत्री। तो 86 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी,
विभागीय लोक सेवक, कौन करता है? विभागीय लोक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर देखिए 5 वर्षों का आपको पता होगा, राज्यसभा का 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष पे विघटन होता है जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, वह अस्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन। द्विसदनात्मक विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो सिंपल सी बात है, 88 नंबर द्विसदनात्मक सदन में कितने होंगे? तो 88 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, क्योंकि द्विसदनात्मक में 2 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 89 का? ए। 89 का क्या हो जाएगा? ए। भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार की घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो याद ही होगा आपको 10 दिसंबर 1948 को, ऐसे भी हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन नहीं होगा? पढ़िए ऑप्शन, संसद के द्वारा संविधान के संशोधन के आधार पर, साधारण स्थिति में, संकट काल के समय, सेना विधि के लागू होने पर। तो साधारण स्थिति में क्या होगा? जो स्थगन नहीं होता है। तो 92 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 92 का बी, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण स्थिति में आपके मौलिक अधिकार का जो है निलंबन नहीं किया जा सकता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर कर देती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर ए, विविधताओं को यह अपने में समेट लेती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है, बेल्जियम में सत्ता का की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हित की उपेक्षा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, क्षेत्रीय हितों की नजरअंदाज करना। तो 94 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश के भाषा को आधार भाषा के देश के देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 95 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। तो ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं 96 पर, बिहार में संपूर्ण क्रांति 1974 के आसपास किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 97 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो बी नंबर इसका आंसर होगा, 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली थी। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहां पर देखिए, राष्ट्रपति सचिवालय नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? ठीक है, तो इसका आंसर है मात्र 10% थी। 100 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 10%। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है, लोकतंत्र में आस्था और शिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। तो वो सबसे बड़ी बाधा और शिक्षा है, ठीक है। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन का सेट पूरा किया। तो पॉलिटी के इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा पॉलिटी ढंग से आप अच्छे से कवर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।